भाइयों और बहनों, इस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा दुख और सदमे से दो चार हूँ। कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन कहना पड़ रहा है कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हमारी तमाम तवक्कुआत हवा हो गई, हमारी तमाम खुशियों को ग्रहण लग गया है, और इस वक्त दुआ के सिवा इसी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें बचा सके। ओ भाई, ये क्या हो गया इनको? ये पागल वागल लोग हैं। कह रहे हैं यूनिवर्सिटी खोलने 1500 के पागल लोगों, कोई मजाक है भाई? किसी को कोरोना वोरोना लग गया, मुझे कोरोना लग गया, मैं मर गया तो क्या होगा? लड़कियां तो पागल हो जाएंगी रो रो के कि हमाद चला गया, हमाद चला गया। ऐसे नहीं करो भाई, हम तो चिल मार के बैठे हुए थे कि अक्टूबर में या नवंबर में यूनिवर्सिटी खुलेगी, आराम से बैठ के पेपर वेपर देंगे ऑनलाइन दोबारा। इन्होंने कहा यूनिवर्सिटी खुल ली है। अब लड़के आके हमको कह रहे हैं अम्मा भी कुछ करो, यूनिवर्सिटी बंद कराओ, कोई हैक निकालो, कोई स्कीम बताओ, कुछ ट्रिक शिक करो, कुछ यूनिवर्सिटी बंद कराओ। मैं उनको क्या बताऊं कि अम्मा भाई घर में अपने सबसे छोटे हैं, इनके घर में नहीं चलती, यूनिवर्सिटी में क्या पोंका चलेगी? मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद एक बात बताओ, ये कहते हैं हम यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, इनको हम SOP से टैकल कर लेंगे। मुझे एक बात बताओ, ये SOP को तुम कैसे टैकल करोगे जब तुम्हारी यूनिवर्सिटी की बसें जो इतनी कुत्ते की तरह भर भर के जाएंगी, भेड़ बकरियों की तरह तुम लोग भर दे दो यूनिवर्सिटी के अंदर, कराची, डाओ और पता नहीं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं उन सबके बच्चे ऐसे भर के, मेरी अपनी वैन के अंदर हाई रूफ के अंदर नौ नौ बच्चे भर के जाते हैं, मैं कैसे जाऊँगा? SWVL में जाओ वहाँ पे चिपक चिपक के बैठते हैं, एयरलिफ्ट में जाओ वहाँ चिपक चिपक के बैठते हैं, चिंची वाला जो है 10 बंदे अपनी चिंची पे लेके जाता है। कौन सा कोरोना रोकोगे, कैसे रोकोगे, मुझे खाली ये बता दो। स्कूल और कॉलेजेस के अंदर तुम लोग कोरोना रोक कैसे सकते हो? इंग्लिश टीचर का मैथ्स के सर के साथ या PT के सर के साथ चक्कर चल रहा है, ये वाली अफवाह तो तुमसे रोकी नहीं जाती। कोरोना का क्या तुम पोंगा से रोकोगे? और मुझे एक बात बताओ, तुमने कहा हम आधे आधे बच्चे रोज बुलाएंगे, तो जिन बच्चों के आधे की जिनकी छुट्टी होगी वो कैसे कवर करेंगे? और जो बाकी आधे बच्चे जो यूनिवर्सिटी जाएंगे उनको कह रहे हो कि हम गैप दे दे के बिठाएंगे। मेरी क्लास में ही 60 बच्चे अगर हों तो मेरी क्लास ही इतनी सी है, मैं कैसे बिठाऊंगा? और इसके साथ मैं एक और बात बताता चलूं, ये यूनिवर्सिटी खुलने की खबर जो है ना, इससे सबसे ज्यादा खुश वो हैं जिनकी माशूकाएं वहां पे यूनिवर्सिटी आएंगी रोज उनसे मिलने के लिए, उनसे मिलेंगे 6 महीने में पहली दफा। इन लोगों को सबसे पहले कोरोना होगा, क्योंकि ये जाएंगे क्लास में अटेंडेंस लगाएंगे और फिर ये बाहर शार्ट हो जाएंगे, पूरा दिन ये कैंटीन में जो ना ऐसे चिपका चुपकी करके बैठे रहेंगे, सबसे पहले कोरोना इनको होगा। तो मैं बता रहा हूँ ये जड़ कोरोना की यही बनेंगे। और मैं एक और बात बताऊँ, जो बचेगी ना कॉम, वो हमारी ऐसी कॉम बचेगी, क्योंकि हमारे पास ना लड़की है ना कुछ है, हम क्लास में चुप करके बैठे रहेंगे SOP के साथ, हम पूरी क्लास लेंगे, हम बच जाएंगे, ये सब जो ना कोरोना फैलाएंगे। तो भाई इस तरह नहीं करो, यूनिवर्सिटी में कोरोना फैल जाएगा। इतने दिनों से लड़के रो रहे थे, लड़के लड़कियां, के यार यूनिवर्सिटी खोलो, पढ़ा नहीं जा रहा सही से। वो भाई मैंने GPA उठा ली, मेरी 2.5 GPA से 2.75 GPA हो गई, मैंने 3.2 GPA मार ली। मतलब मेरे जैसा बंदा अगर GPA उठा सकता है ना, तो दुनिया का हर बंदा GPA उठा सकता है। ठीक है, मुझे समझ नहीं है, या तो ये सारे फ्रंट बेंचर्स थे जो रो रहे थे, मेरे ख्याल से इन्होंने टीचर्स को उठाए नहीं थे इतने दिनों से, शायद इसलिए इनको जो है ना कमजोरी हो गई थी। नहीं तो भाई ऑनलाइन पेपर में तो बड़ा मजा आया, जहन खुल गया मेरा, मैंने कहा टेक्नोलॉजी का जो है पॉजिटिव काम भी हो सकता है, तो मुझे तो बड़ा मजा आया। और इसमें सिर्फ लौंडों का नुकसान नहीं है मेरे भाई, इसमें लड़कियों का भी बड़ा नुकसान है। लड़कियों, तुम लोग लिपस्टिक लगाओगी, तुम्हारी लिपस्टिक लगाने पे 100 रुपये का जुर्माना फाड़ रहे हैं ये लोग। हम टुल्लों को 100-100 रुपये देकर थक जाएंगे, तुम यूनिवर्सिटी में 100-100 रुपये की पत्तियां दे देकर थक जाना। बड़ा बुरा टाइम आने वाला, बड़ा टफ टाइम आने वाला, तैयार रहो तुम सारे। मैं इतने चिल में इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी 15 को खुली नहीं रही है, मेरी यूनिवर्सिटी खुलेगी 25 के बाद। अभी मेरी यूनिवर्सिटी में समर्थी चल रहे हैं, तो मैं तो भाई आराम से बैठा हूँ। ज्यादा कुछ होगा कोरोना शुरू होने का ना, तो मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा ही नहीं, लेटर लिख के भेज दूंगा कि भाई मैं नहीं आ सकता यूनिवर्सिटी, मैं मर गया ना तो फिर मसला हो जाएगा, आई एम टू वैल्यूएबल फॉर दिस शिट, और मैं नहीं आ रहा यूनिवर्सिटी में, ऑनलाइन पढ़ लूंगा, मेरी टेंशन नहीं है। और अगर नहीं हुआ तो चले जाएंगे, अब कर भी क्या सकते हैं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता यूनिवर्सिटी तो मैं बंद कराने से रहा। या तो उसको बोलो, वो काशिफ जो है, काशिफ वो टिकटॉक का प्राइम मिनिस्टर है, वो ही कुछ करेगा कि भाई कोरोना के बादशाह हो या यूनिवर्सिटी के बादशाह, इस तरह करके कोई कंटेंट शंटेंट बना देगा तो वो कुछ कर सकता है, नहीं तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। Corona go, Corona go, Corona go, Corona go.